Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 1, 3 questions from class 7th English NCERT syllabus semester 1. Hello students, so today we are going to start chapter 1, 3 questions. So this we are going to start from our class 7th English. So before we start, we read this information. A king has three questions and he is seeking answers to them. So what are the questions? Does the king get what he wants? तो ये जो chapter है इसमें एक राजा होता है जिसको तीन questions के उसको जवाब चाहिए होते हैं. तो ये तीन questions क्या हैं? और does the king get what he wants? क्या राजा को जो चाहिए वो answer उसको मिलता है या नहीं मिलता है? तो इसको जानने के लिए हम इस story को read करेंगे और फिर I will explain you. So here three questions. The heading is three questions. So in this chapter we are having two parts. So in this video I will share first part with you. So the thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो यहाँ पे देखिए, एक राजा था तो जिसके मन में एक विचार आया कि वह अपने किसी भी काम में असफल नहीं होगा. तो असफल क्यों नहीं होगा? अगर उसे तीन बातों की इन्फॉर्मेशन होगी, उसको जानकारी होगी. तो ये जो तीन बातें थी, ये किसी भी काम को शुरू करने, मतलब काम को शुरू कब किया जाए, किन लोगों की सलाह पर ध्यान दिया जाए जब वो काम शुरू करते हैं, और उसके लिए कौन सा जो काम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे. तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन. तो इसलिए राजा ने क्या किए, अपने कुछ मैसेंजर्स, तो मैसेंजर्स का मतलब होता है वन हु ब्रिंग्स मैसेज, यानी कि आप इसे कह सकते हो संदेशवाहक, या हम इसे दूत भी कहते हैं. तो उसने अपने जो भी दूत थे उनको राज्य भर में ये संदेश उनसे भिजवा दिया कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा, यानी बहुत बड़ा प्राइज दूंगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. तो उनके राज्य में बहुत सारे बुद्धिमान लोग वहाँ पर राजा के पास आए, पर उन्होंने उसके प्रश्नों के बहुत ही अलग अलग तरह से अलग अलग जवाब दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. तो पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ व्यक्ति जो थे वो बोले कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और फिर उसका जो पालन है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, ओनली दिस वे, इन दिस वे दे सेट कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर राजा एक टाइम टेबल बना लेंगे और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो इस तरह से जो राजा हैं वो सही समय पर हर काम कर पाएंगे. अदर सेट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. तो दूसरे कुछ लोग थे वो बोले कि किसी भी काम को करने का जो सही समय है वो पहले से अगर आप उसे डिसाइड कर लो तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल है. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम डिसाइड करके रखें वो जो पर्टिकुलर टाइम है उसी पर वो काम हो. तो इस तरह से कुछ लोगों ने कहा. द किंग्स शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. राजा, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जो राजा हैं वो सभी घटनाओं को देखें, वो जो भी घट रहा है वो उन सब पे नज़र रखें, फिर मूर्खतापूर्ण या फिर कुछ भी प्लेजर्स हों, यानी कि खुशी वाला माहौल है, तो इन सब से उनको बचना चाहिए और वही काम करें जो उस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. येट अदर सेट that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. So this was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो वहाँ पे कुछ और लोग भी खड़े थे तो उन्होंने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति बना लेनी चाहिए, कमिटी बना लेनी चाहिए जो उसे सही समय पर काम करने में मदद करे.
तो ये ज़रूरी था क्योंकि बिना किसी की मदद लिए किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ पर सही डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि हर काम सही समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। द थिंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पर वहाँ पे जो भी लोग आए थे तो उसमें से कुछ लोग बोले कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तुरंत ज़रूरी होता है, मतलब वो काम तुरंत के तुरंत हो जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो हम समिति बनाने बोल रहे हैं, कब समिति एक साथ असेंबल होगी, कब वो डिसीजन लेंगे, डिस्कस करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो हमको इतना हम वेट नहीं कर सकते। तो किसी काम को करने का उचित समय जो है उसको जानने के लिए हमें फ्यूचर की जानकारी होनी चाहिए। और ये काम जो फ्यूचर के बारे में, ये काम केवल जो जादूगर है यानी जो मैजिशियन है वही हमें ये इसकी जानकारी दे सकता है। तो इसलिए राजा को उनके पास जाना चाहिए। किसके पास? तो एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट, अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी। तो दूसरे प्रश्न के जो उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके सलाहकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इसके अलावा जो प्रीस्ट हैं यानी कि जो पंडित हैं उनका उन्होंने उनको सजेशन दिया। कुछ एक ने ऐसा कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो सोल्जर्स होते हैं क्योंकि वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा था। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा जो प्रश्न था उसके उत्तर में कुछ एक लोगों ने कहा कि भाई जो विज्ञान है यानी जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरे लोगों ने युद्ध को चुना और कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना। ठीक है, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो चूंकि उसके जो प्रश्न थे उनके सभी के, जितने भी लोग वहाँ पे आए थे उन सभी का जो आंसर था वो सेम नहीं था, वो एक जैसा नहीं था, तो राजा जो थे वो बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थे। और उसने क्या किया, किसी को भी जो भी उत्तर दिए तो कोई पुरस्कार नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हर्मिट यानी जो सन्यासी होता है तो उसकी सलाह लेने का निर्णय किया, जो अपने ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। यहाँ पे विजडम का मतलब होता है ज्ञान। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो इन्होंने क्या किया, यानी कि यहाँ पे राजा की बात हो रही है, राजा ने क्या किया, राजा ने सोचा कि मैं इस हर्मिट के पास जाऊँगा। तो वो जो सन्यासी थे वो एक जंगल में रहता था, तो जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आता था, तो वो केवल आम व्यक्तियों से ही मिलता था, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उन्हीं से लोग वो मिलते थे। तो इस कारण जो राजा थे उन्होंने बहुत ही सिंपल एकदम साधारण वस्त्र पहन लिए। सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले वो अपने जो घोड़ा था उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, और उनके साथ जितने भी बॉडी गार्ड थे उन्होंने उनको भी कहा कि आप वहीं भी रुक जाओ, मैं अकेला हर्मिट के पास जाऊंगा, और वो अकेले ही निकल पड़े। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली। तो जब राजा जो थे वो सन्यासी के झोपड़ी के निकट पहुँचे, यानी एकदम पास पहुँचे, उसने सन्यासी को अपने कुटिया के सामने वाली ज़मीन खोदते हुए पाया। उन्होंने देखा कि वो जो सन्यासी है वो क्या कर रहा है, एक मतलब जो ज़मीन है उसको वो खोद रहे थे। तो सन्यासी ने राजा को ग्रीट किया, और जैसे ग्रीट का मतलब होता है जैसे नमस्कार किया, सर झुका के प्रणाम किया, और उनसे कहा
किया, मतलब ये जो खोद रहे थे उसके बाद वो अपना जो खोदने का काम था उन्होंने उसे कंटिन्यू रखा। सन्यासी जो थे वो काफ़ी बुढ़े थे, कमज़ोर हो चुके थे, और काम करते हुए वो जो काम कर रहे थे खोदने का, तो काम करते करते उनकी जो सांस थी वो काफ़ी चढ़ चुकी थी, तो वो काफ़ी ब्रीथ कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो राजा जो थे वो सन्यासी के पास गए और बोले, मैं आपके पास, मतलब उनके पास गए, और जो सन्यासी थे वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी सन्यासी थे। तो राजा बोले, हे ज्ञानी सन्यासी, मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मुझे लगता है आप बहुत ही बुद्धिशाली हैं, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, तो मुझे आप 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। पहला, कि मैं काम को करने का जो सही समय है वो किस प्रकार पता लगा सकता हूँ? दूसरा, कि किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? और तीसरा, कि कौन से काम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो सन्यासी ने जो क्या किया, राजा का जो प्रश्न थे उन 3 प्रश्नों को उन्होंने सुना, लेकिन सुन के वो कुछ भी नहीं बोले, और वो चुपचाप ज़मीन जो थे उसको खोदते रहे। तो जो राजा थे वो बोले, लाइए, आप थक गए होगे, आप कुदाल मुझको दीजिए। यहाँ पे जो वर्ड है स्पेड, SPADE, इसका मतलब होता है कुदाल, जिससे ज़मीन खोदी जाती है। तो राजा ने कहा कि आप ये कुदाल मुझे दीजिए और मैं ज़मीन खोदता हूँ। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो राजा को जो सन्यासी था वो कुदाल देते हुए बोला, थैंक यू सो मच, और फिर जो सन्यासी था वो ज़मीन पे बैठ गए और राजा को उन्होंने थैंक्स कहा। नाउ व्हेन द किंग हैड डग 2 beds, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू टेक। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब राजा ने 2 क्यारियाँ, यानी कि यहाँ पे बेड का मतलब है जो 2 क्यारियाँ हैं वो, तो जैसे ही राजा ने 2 क्यारियाँ खोदी, तो 2 क्यारियाँ खोदने के बाद वो रुक गए थोड़ा सा, और उन्होंने अपने प्रश्नों को वापस से सन्यासी के सामने दोहराया। सन्यासी ने वापस से कोई भी उत्तर नहीं दिया, तो वो खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने कहा कि लाओ एक काम करो, आप मुझे फावड़ा मुझे दे दो, और बोला अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो। पर राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खुदाई करने लगा। ठीक है, नाउ वन आर पास्ट देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. तो 1 घंटा हो चुका था, फिर क्या हुआ, जो राजा थे वो खोद रहे थे, 1 घंटा बीत चुका था, और इतने में क्या हुआ, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिप चुका था। फाइनली राजा ने फावड़ा जो था उसे ज़मीन पर गाड़ दिया और बोला, सन्यासी, मैं आपके पास यहाँ पे, आप क्योंकि बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, तो मैं आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया, अपने प्रश्नों का मैं उत्तर लेने आया था, लेकिन आप कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कि आप मुझे उत्तर देने वाले हैं कि नहीं, अगर नहीं देने वाले हैं तो मैं वापस से घर लौट जाता हूँ। तो इतने में क्या होता है, वहाँ पे एक जो आदमी है वो भागता हुआ आता है, तो ऐसा जो सन्यासी है वो उसको बोलता है कि देखो यहाँ पे एक आदमी भागता हुआ आ रहा है। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ आया, अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं फर्दर आप लोगों को और किस तरह से अच्छा समझा सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।